हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। 4.5 में बेटा क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया गया है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ फोर साइडेड पॉलीगन इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की चार साइड होती है। ड्रा ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें एक रफ स्केच बनाना है PQRS। ड्रा इट्स डायगनल, इसके डायगनल बनाने हैं। डायगनल क्या होते हैं? अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम डायगनल कहते हैं। नेम देम, उनका नाम लिखना है। इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगनल्स इन द इंटीरियर और द एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो डायगनल जब आपस में एक दूसरे को काटेंगे तो वो पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, एक्सटीरियर में या इंटीरियर में, हमें बताना है। तो पहले मैंने PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, फिर उसके दो डायगनल PR और QS खींचे। ये दोनों डायगनल जहाँ पे काटते हैं उस पॉइंट का नाम हमने रखा O। तो डायगनल PR एंड SQ मीट एट O, और O कहाँ पे है बेटा? देखो, एक्सटीरियर में है या इंटीरियर में है क्वाड्रिलेटरल के? तो ये O बिंदु है, एक्सटीरियर में तो कहीं नहीं है, इंटीरियर में है, तो विच इज इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। सेकेंड क्वेश्चन में उसने पूछा है बेटा, ड्रा ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल KLMN स्टेट। हमें एक रफ स्केच बनाना है और फिर हमें बताना है टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स कौन सी होती है बेटा? जो आपस में ज्वाइन नहीं करती, आमने सामने होती है। तो KL के सामने कौन सी है? MN, एक पेयर। और सेकेंड पेयर है LM के सामने KN, KN के सामने LM। टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल के दो पेयर लेने हैं। तो ये इस K के सामने M और L के सामने N। तो एंगल K एंड M, एंगल L एंड एंगल N। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स के टू पेयर्स लेने हैं। एक क्वाड्रिलेटरल में इसके चार पेयर्स होते हैं, कौन कौन से? KL होती क्या है एडजेसेंट साइड? जो वर्टेक्स से ज्वाइन करती है एक दूसरे को। KL और LM कॉर्नर पे मिल रही है, LM और MN, MN और NK, और NK और KL। तो हमें दो पेयर लिखने थे, हमने लिखे KL और LM और KN और NM। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एक ही लाइन सेगमेंट पे बनने वाले दो कोण को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो कोण एंगल K और एंगल L, ये एडजेसेंट हो गए। एंगल K और एंगल N भी, ये भी हो गए एक पेयर। एक पेयर है एंगल L और एंगल M, और उसके अलावा एक पेयर बन जाएगा हमारा M और N का। हमें दो बताने हैं तो हमने दो बता दिए, K और N, L और M। थैंक यू।